हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप लोगों को मालूम था कि आज हियरिंग होनी थी कैट कोर्ट केस में, और हियरिंग हो गई है और उसमें हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। क्लियरली स्पीकिंग कुछ भी नहीं मिला है हमें। हमारे जो एडवोकेट सर थे, उन्होंने सारी चीज़ें कोर्ट के सामने रखी, लेकिन कोर्ट और जज बस एक ही चीज़ पर जज का अड़े हुए थे कि कट ऑफ डेट से बाद में हम, अगर आपने अप्लाई किया है कट ऑफ डेट के बाद आपके सर्टिफिकेट इशू हो तो हम अलाउ नहीं कर सकते। उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एग्ज़ाम 4 साल से नहीं हुआ था। उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि और चीज़ों में मॉडिफिकेशन लिंक दिया गया था, और चीज़ें मॉडिफाई की गई थी, जो भी कॉरिकंडम था उसमें चेंजेस किए गए थे। उन्हें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि CCA वालों की इतनी सीट्स ऑलरेडी खाली हैं तो उनको मौका दिया जा सकता है। उन्हें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इतने सारे अप्रेंटिस जिन्होंने रेलवे में ट्रेनिंग की है, वो लोग रेलवे को अच्छी सुविधाएं, अच्छा काम उसमें रेलवे में कर सकते हैं, तो उनको प्रेफरेंस दिया जा सकता है। उन्हें नेचुरल जस्टिस, जो एक ये 4 साल का पीरियड है जो एक स्टूडेंट के लाइफ के अहम हिस्सा है, ये उस वो 4 साल बर्बाद हो गया, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे जो एक उम्मीद थी कि जो हमें न्याय मिल सकता है वो कोर्ट से मिल सकता है, अगर गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जा रहा है तो। कोर्ट में भी बहुत ख़राब स्थिति है, कोर्ट में भी वही है कि कोई सही से सुनने को तैयार नहीं है केसेस। तो फ़िलहाल आज का यही जो निकल कर आया है वो ये है कि आगे की डेट दी है मई में शायद, लेकिन अब मैं बिल्कुल होपलेस हूँ और मुझे कोई उम्मीद है नहीं कोर्ट से। और जो चीज़ें थी सारी चीज़ें बताई गई, लेकिन उनको बस एक ही पॉइंट से प्रॉब्लम है कि 12/4/2019 के बाद वालों को हम अलाउ नहीं कर सकते। उसके आगे उन्हें समझने का, वो समझने का प्रयास ही नहीं करना चाहती। तो जज है, जो डिसीज़न देंगे वो मानना पड़ेगा। अब आप लोग बताइए कि आपको क्या लगता है, कुछ और भी अगर अभी भी आपको पॉसिबिलिटी लगती तो ठीक है। हमारे एडवोकेट श्रीकांत सर, उन्होंने बहुत अच्छे से पॉइंट्स रखे, लेकिन जब सामने वाला जज सुनने को ही ना तैयार हो तो उसमें एट द एंड डिसीज़न उन्हीं को देना है, तो कुछ किया नहीं जा सकता। और उन्होंने अपनी तरफ से बोला कि हम हाई कोर्ट में रखेंगे, किसी से कोई कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं चाहिए। अपने अपने तरफ से उन्होंने बोला कि हम हाई कोर्ट को इसी हफ्ते में हियरिंग कराएंगे, और हाई कोर्ट में एक बार मैं और लास्ट बार जाना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हें भी पता है ये चीज़ गलत हो रही है, ये गलत है ये चीज़। जो जो जज जिस पे जो डिसीज़न दे रहे हैं, जो इतना डीपली जाना ही नहीं चाह रहे हैं उस मुद्दे पे, तो हमारे एडवोकेट को भी पता है इन लोगों के साथ बिल्कुल भी फेयर नहीं हो रहा। तो उन्होंने अपने आप से बोला कि मैं हाई कोर्ट में भी पेटिशन डालूँगा आज के ही आज। और किसी से आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत सपोर्ट किया है, आप किसी तरह का कोई भी वैसे हमें किसी से कोई मदद ना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी थक चुके होंगे, इतनी बार आप लोगों ने हेल्प की है और जो चीज़ें हो सकती थी मैंने ट्राई किया। और अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ और अभी भी कुछ उम्मीद है तो आप बताइएगा। उन्होंने आज ये भी बोला कि मंत्री जी से मिलने के लिए पूरा ट्राई करते हैं, तो अगर आपको लगता है कि कुछ कुछ और भी अभी हो सकता है तो देखिए। अदरवाइज़ तो क्या बोलूँ मैं, मेरा खुद ही मुझे नहीं समझ आ रहा है कि अब क्या हो सकता है। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू।